नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा, मैं आपके साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। नगर निगम द्वारा शहर की ऐतिहासिक लाखा बंजारा झील को प्रदूषण मुक्त करने की कवायद शुरू कर दी गई है। शुक्रवार से शहर के पूर्विया वार्ड स्थित मोगा बधान पर ड्रेनेज का काम शुरू हो गया है और झील में मिलने वाले नालों के पानी को सीधा तालाब से बाहर निकालने की मुहिम शुरू हो गई है। तालाब सफाई को लेकर नगर निगम आयुक्त आर पी अहिरवार ने बताया कि मोगा से वाटर लीकेज ड्रेनेज का काम कर रहे हैं, क्योंकि शहर में जितने नाले हैं वो सभी लाखा बंजारा झील में मिलते हैं। उन्हें झील से लगाने का काम जारी है, पानी को ट्रैप डन आउट कर रहे हैं। अभी हाल ही में तुठड झील जी के नाले दिखाई देने लगे हैं, इनका ड्राइंग तैयार किया जा रहा है और इनके आगे काम लगाया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा, वनथर्ड जो झील है चक्रा घाट से लेकर गणेश मंदिर, जैसे ही नाले दिखेंगे उनका भी ड्राइंग बनाकर काम शुरू कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि शहर की लाखा बंजारा झील एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है जो लंबे समय से अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही थी। बहरहाल अब झील संरक्षण योजना के माध्यम से झील को सुंदर और स्वच्छ बनाया जा रहा है, ताकि शहर की सुंदरता में चार चांद लग सके। जो मोगा बंधान का जो काम लगाया गया है, क्या है ये? मोगा बंधान से अभी हम लोग फिलहाल जो वाटर लीकेज ड्रेनेज है वो कर रहे हैं, क्योंकि झील में जितने नाले मिलते हैं उन सभी नालों को ट्रैप करते हुए और बाहर करना है, ताकि हमारी जो लाखा बंजारा झील है वो गंदे होने से बच सके और जो प्रदूषित होती है नालों के माध्यम से वो रुक सके। तो सभी नालों को बाहर करना है, पानी को ड्रेन आउट कर रहे हैं और अभी लगभग जो है जितने नाले, 2/3 झील के नाले दिखाई देने लगे हैं, तो उनका ड्राइंग डिजाइन सबमिट हो रहा है। जैसे ये अप्रूव्ड होते हैं तो इनका काम चालू हो जाएगा। और 1/3 जो झील है, जो कि चक्रा घाट से लेके और अपना गऊ घाट और जो गंगा घाट है वहाँ तक का जो पूरा एरिया है, गणेश मंदिर है उस वाला एरिया के अभी पूरे नाले नहीं दिख रहे हैं। जैसे ही वो नाले दिखेंगे तो फिर उसका भी ड्राइंग बनाया जाएगा और वहाँ पर भी काम शुरू करेंगे। उद्देश्य ये है कि अभी हम लोग यथाशीघ्र जो नाले हैं उनका टेपिंग शुरू कर दें।